दोस्तों, मैं किरण गुदले, पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप्स, और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जो एक स्पोर्ट और फिटनेस से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूरा हिल ट्रेनिंग देखेंगे और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और इसको कौन कौन कर सकते हैं। देखो इसको दोस्तों, आप सभी एथलीट जो शॉर्ट इवेंट करते हैं, जो 100 मीटर करते हैं, जो जंपिंग इवेंट करते हैं जिसमें लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, और जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं जिसमें 800 मीटर, 1600 मीटर, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन सभी को दोस्तों इस हिल ट्रेनिंग को करना ही चाहिए। और इसके कुछ हम फायदे देखेंगे। इससे दोस्तों आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा, जो आप रनिंग करते वक्त थकते हैं वो बिल्कुल नहीं थकेंगे। और ख़ास करके आपका दोस्तों रनिंग करते वक्त जो आपका हैमस्ट्रिंग भरता है या काफ्स भरता है, जो आपका ग्लूट मसल ये भरता है, वो बिल्कुल नहीं भरेगा, आपके पैर बिल्कुल नहीं थकेंगे। इसलिए दोस्तों आपको ये हिल ट्रेनिंग करना ही होगा। और दोस्तों इस हिल ट्रेनिंग को करने से पहले दोस्तों आपको ये पूरा वार्म अप एक्सरसाइज करना है। स्टार्टिंग में दोस्तों हमें कुछ लाइटली स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद हम 10 या 15 मिनट जॉगिंग करेंगे, और उसके बाद फिर हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, और फिर दोस्तों हमें इस वर्कआउट को करना है। और दोस्तों इस वर्कआउट को आप अच्छे से कर लो, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और दोस्तों इस वर्कआउट को आपको हफ्ते में एक बार करना है, आपको हफ्ते में एक बार हिल ट्रेनिंग करना है। और जो स्प्रिंटर है, जो शॉर्ट इवेंट करते हैं, वो दो बार कर सकते हैं, और जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं जिसमें 800 मीटर हो, 1600 मीटर हो, उनको दोस्तों हफ्ते में एक बार करना है। तो चलो इस वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें हेलीपे स्लो फास्ट करना है, जिसका शॉर्ट इवेंट है, जिसमें 100 मीटर से लेकर 400 मीटर तक, और जंपिंग इवेंट, उन्हीं को दोस्तों 100 मीटर फास्ट जाना है, और वो भी 80-90% तक, और वापस आते समय स्लो जॉगिंग करके आना है। और ऐसे दोस्तों आपको 10 या 15 मिनट करना है। और जिसका लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट है, जिसमें 800 मीटर हो, 1600 मीटर हो, और 5000 से लेकर 10000 मीटर तक, उन्हीं को दोस्तों 200 मीटर फास्ट जाना है, और वो भी 80-90% तक, और वापस आते समय स्लो जॉगिंग करके आना है। और ऐसे दोस्तों आपको 20 या 25 मिनट करना है, और फिर उसके बाद दोस्तों हमें 5 मिनट रेस्ट लेना है, और उसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। और ये सभी एक्सरसाइज आपको दोस्तों 20 मीटर में करना है, और एक एक्सरसाइज के हमें 3 सेट लगाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज है बाउंडिंग। इसमें हमें दोस्तों लॉन्ग स्टेप लगाने हैं। इसमें हमारा जो नी है उसको उठा के आगे की तरफ फेंकना है। और दोस्तों आपको ये बाउंडिंग एक्सरसाइज अच्छे से देखना है, और आप धीरे धीरे से प्रैक्टिस करके आप अच्छी तरह से बाउंडिंग कर सकते हो। लंजेस करते समय हमें हमारा पैर आगे की तरफ उठाना है, और पैरों को 90 डिग्री में रखना है, और ध्यान रखना है कि हमारा जो टो है उसके आगे हमें हमारा नी लेना नहीं है। और दोस्तों आप ये एक्सरसाइज परफेक्ट कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके पैरों में बहुत स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपके पैर भी नहीं थकेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम ब्रॉड जंप करेंगे। हमें हमारे दोनों पैरों को उठा के आगे की तरफ जंप लगानी है, और हमारी बॉडी को हमें 1 सेकंड होल्ड रखना है, और फिर आगे की तरफ जंप लगानी है। और इस एक्सरसाइज से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी जो हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट मसल है, पिंडरे है, वो कभी नहीं टाइट होगी। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम हनुमान जंप लगाएंगे, और इस जंप को करते समय हमें ऊपर की तरफ हाइट लगानी है। इस तरह से हमें दोनों पैरों को सेम करना है, सेम एक्सरसाइज करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ हाइट लेनी है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोस्तों हम पार्टनर एक्सरसाइज करेंगे। हम एक पार्टनर लेंगे, और उसको कंधे पे बिठा कर रन करना है, और रन करते समय हमें हमारे नी को ऊपर की तरफ उठाना है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज हमें सेम पार्टनर लेके हमें एक्सरसाइज करनी है, जिसमें हम हाथों पर वॉक करेंगे। और इस एक्सरसाइज को आप दोस्तों 10 या 15 मीटर में करेंगे, और इसके 2 सेट लगाएंगे, और इससे आपकी हाथों की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और फिर ये सभी एक्सरसाइज होने के बाद हम फिर 2 या 3 मिनट रेस्ट लेंगे, और हमें उसके बाद 80 से 100 मीटर तक 4 या 5 स्प्रिंट लगानी है, वो भी 90% से। तो दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लो, आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो चलो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।